हे गाइस, यहाँ पे एंड्रॉयड 10 का लीनेज ओएस आ चुका है हमारे K20 Pro के लिए, जिसकी फ्लैशिंग मैथड तो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने वॉच नहीं किया तो वॉच कर लेना। और इसके अंदर आपको क्या कुछ बग देखने को मिलता है, क्या चीज़ें वर्किंग है, वो सारी डिटेल यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। अभी फिलहाल मैं एंड्रॉयड 10 का डार्क थीम यूज कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। आप देख सकते हो, मैं प्ले स्टोर के अंदर भी है जो कलर है जो चेंज कर पा रहा हूँ, तो जैसे अप्लाई करता हूँ इसका ऑटो है जो चेंज हो जाता है, जो देखने में एक ऑसम सा लेआउट है जो प्रोवाइड करता है हमारे प्ले स्टोर का। वहीं पे आपको डायल पैड है जो वो भी वाइट ही देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको जियो की कॉलिंग बिल्कुल ही वर्किंग मिलती है। यहाँ पे आपको जो डिफॉल्ट काफ़ी ओल्ड का जीकेम यहाँ पे दिया गया है, तो इसकी भी मैं चीज़ें बताऊंगा। इसके साथ एक छोटी सी कमी है जो कि इम्प्रूव्ड होने की ज़रूरत है, वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप एडिट के सेशन पर आते तो बैटरी सेविंग, लोकेशन, इन्वर्ट कलर, डेटा, डार्क थीम, ADB, एम्बियंट डिस्प्ले का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, और बाकी सिंक वगैरह वॉल्यूम पैनल भी मिलते हैं, और ग्रे स्केल का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे सिंपली आप उसे ड्रैग एंड ड्रॉ करके जो यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो जैसे आप ये करोगे एक काम करने लग जाता है। और मोड का अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हो तो वो भी आपको जो दिखाई में दे देता हूँ कैसा है जो शो होता है। तो यहाँ पर मैंने एम्बियंट जो ऑन कर दिया है, जो कि अंदर मुझे कहीं पर सेटिंग देखने को नहीं मिला था एम्बियंट का। और यहाँ पे आप देखते हो स्क्रीन पे कोई भी लाइटनिंग वगैरह शो नहीं हो रही है, तो एम्बियंट जरा सा भी है जो कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। लेकिन डबल टैप वर्किंग है, और फिंगरप्रिंट का जो रिस्पांस है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। फिंगरप्रिंट बस आपको सही तरीके से रखना होता है, हाथ में स्वेट वगैरह होगा तो काम नहीं करेगा। ऐसे भी मैं अभी टेम्पर यूज कर रहा हूँ तो समटाइम दिक्कत आती है, बट फिंगरप्रिंट काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है और काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। यहाँ पे आपको ऑडियो इफेक्ट, साउंड इफेक्ट भी आपको मिल जाता है। अब चलते हैं पहले अबाउट के सेशन में, उसके बाद आपको सारी चीज़ें मैं वन बाई वन करके शो करने वाला हूँ। सो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्जन जो 10 देखने को मिलता है, जो कि मैंने जैसे कि आपको बताया है, यहाँ पे 17.0 लीनेज का वर्जन है, जिसका बिल्ड डेट आपको मिलता है 2019 10.5 का, जो कि एक अनऑफिशियल बिल्ड है रेफल के लिए है। बट आप इसे K20 Pro इंडियन वर्जन 90 Pro उस पर भी डाल सकते हो, चाइना वर्जन पे भी डाल सकते हो। कैसे डालना है मैंने फ्लैशिंग मेथड दे दिया है, आप उसे वॉच कर लेना। यहाँ पे आपको 5 सितंबर का सिक्योरिटी पैच मिलता है, और यहाँ पे वेंडर भी 5 सितंबर का मिलता है। गूगल प्ले सिस्टम अपडेट एंड्रॉयड 10 का है। बेसमेंट और केरनेल आप देख सकते हो प्रीफ का दिया गया है, और बिल्ड डेट आपको फिर से 5 का मिलता है। आप अगर यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन ऑन करते हो तो आपको कुछ नई नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आप डेवलपर ऑप्शन जरूर ऑन कर लेना। उसके बाद ओल्ड वाले बिल्ड में हमारा जो डिजिटल वैल्यूइंग का प्रॉब्लम था, बट यहाँ पे इसे फिक्स कर दिया गया है, तो आप यहाँ पे डिजिटल वैल्यूइंग यूज कर सकते हो, जहाँ पे पेरेंट्स कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। आप अपने किड्स वगैरह के डिजिटल वैल्यूइंग को यहाँ से लिंक कर पाओगे और देख पाओगे कि भाई वो कितना ज़्यादा शैतानी कर रहा है फ़ोन के साथ, क्या क्या चीज़ें फालतू के ऐप यूज कर रहा है। तो आप कमांड में रख सकते हो अपने किड्स वगैरह को, अगर आप पेरेंट हो तो। चलिए मैं इसका है जो डार्क थीम को भी फिलहाल ऑफ कर देता हूँ, ताकि आपको विजुअलिटी थोड़ी अच्छी और बेहतर दिखाई दे सके। सिस्टम के अंदर आते हैं तो बटन के ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है रो एंड कॉलम। बट एंड्रॉयड 10 में भाई इसका मजा है, कौन की यूज करने जाएगा। डबल टैप वगैरह का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप डबल टैप रखते हो तो भाई यहाँ पे तो ये काम करने वाला है नहीं, क्योंकि आप होम का बटन ही नहीं है। ठीक है, आप बटन यूज करोगे तभी ये वर्किंग आपको मिलता है। आंसर की रोटेशन वगैरह आपको मिल जाती है, लेफ्ट साइड आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है जो कि वर्किंग है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे वर्किंग नहीं लगी है, तो वो क्या है, आगे चलते हैं यहाँ पे स्टेटस बार की ओर। तो यहाँ पे नेटवर्क ट्रैफिक आपको मिडिल में दिया गया है, तो मे बी नेक्स्ट अपडेट में इसे साइड में कर दिया जाएगा एडजस्टमेंट, बट अभी आपको फिलहाल मिडिल में देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा ऑड टाइप का लगता है, लेकिन बहुत सारे यूजर्स को ये पसंद आता है। तो अभी सही है कि बेस वगैरह आपको वर्किंग मिल जाता है। सिस्टम के आइकन को आप शो एंड हाइड कर सकते हो, कैसा रखना है कैसा नहीं, तो ये चीज़ आपको मिलती है। सेकेंड आप इनेबल कर पाओगे टाइमिंग के साथ। AM PM भी आपका वर्किंग है, लेफ्ट राइट आप इसे कर सकते हो, काम करता है अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो बैटरी दिया गया है कर सकते हैं ना ही, बैटरी के जो परसेंटेज है उसे इनसाइड आउटसाइड यहाँ से चेंज कर पाओगे। जो अभी यहाँ पे परसेंटेज दिखाई दे रहा है ये मैंने अलग से एक्टिव किया है, तो मैं आगे आपको बता दूंगा। बट यहाँ पे आपको एक्टिव करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, जो कि मुझे एक छोटी सी निराशाजनक वाली बात लगी कि यहाँ पे ऑप्शन है बट अभी वर्किंग नहीं है। तो कोई बात नहीं, सेकंड बिल्ड है, जल्दी फिक्स कर दिया जाएगा। ब्राइटनेस स्लाइडर, ऑटो ब्राइटनेस कंट्रोलर वगैरह मिल जाता है यहाँ पर। आप चाहो तो आप है जो पाई का लेआउट रख सकते हो कुछ इस तरीके से, या फिर आप ओरियो का रख सकते हो, लेकिन भाई सबसे बेटर ये है और सबसे परफेक्ट यही है, तो आप इसका यूज करो, ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे रोटेट का भी आपको फीचर्स मिल जाता है, जो कि अच्छे तरीके से काम करता है। आप रिसेंट पे आते हो, इस पर टैप करते हो तो इस तरह के आपको ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन आपको अगर थर्ड पार्टी ऐप को ओपन करके क्लोज करते हो, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस को ऑन करता हूँ, सॉरी गूगल प्ले को यहाँ पे, तो सिर्फ उसे इन्फो का ऑप्शन आया है। एक जो स्लीप का ऑप्शन आता है, पुश का ऑप्शन अभी तक यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, तो अभी जल्दी आ जाएगा एंड्रॉयड 10 में, देर नहीं है।
आई की बात है तो प्राइवेसी वगैरह मिल जाती है। साउंड्स के अंदर आपको डायरेक्ट साउंड इन्हेंसर जो नाम से आता है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें इनेबल हाईफाई और साथ है आप इसे ऑफ करते हो तो ये सारे फीचर्स को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे और यूज कर पाओगे। तो हेडफोन में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा हेडफोन का यूज करते हुए। GPS सही तरीके से काम करता है, फिंगरप्रिंट आपको वर्किंग मिलता है, बट फेस अनलॉक का फीचर्स यहाँ पे नहीं है क्योंकि एंड्रॉइड 10 में डिसेबल किया गया है, तो मे बी इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जब भी आप फिंगरप्रिंट सेट करोगे तो आपको काफ़ी स्लो स्लो टच करना होगा, अगर आप हार्ड प्रेस करते हो फिंगरप्रिंट रिस्पॉन्स के लिए तो बार बार एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि हल्के से पैर रिस्पॉन्स करता है काफ़ी बेटर MIUI के मुकाबले। तो ये मुझे यहाँ पे अच्छी चीज़ देखने को मिली है। बैटरी परसेंटेज आप यहाँ से इनेबल कर पाओगे क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो वर्किंग नहीं है, यहाँ से आप इसका शेड्यूल चेक कर पाओगे। आप देख सकते हो कुछ देर पहले ही मैंने इसे फ्लैश किया है। अब आते हैं डिस्प्ले के अंदर, यहाँ पे दो तीन आपको बग देखने को मिलेंगे। तो अडेप्टिव काम कर रहा है, यहाँ पे जो लाइव डिस्प्ले है ये भी आप यूज कर सकते हो, वर्किंग आपको मिलता है, डार्क थीम भी आपको वर्किंग है। लेकिन यहाँ पे अगर आप आते हो रोटेशन का सॉर्टिंग ये सही है, आपका कलर का ऑप्शन है जो यहाँ पे देखने को मिल जाता है, लेकिन कुछ खास मुझे चेंजिंग देखने को नहीं मिला, तो आप एक बार चेक कर लेना। डिस्प्ले के साइज़ वगैरह आपको वर्किंग है। एक्सपेंडेड डेस्कटॉप आप जैसे ही टाइप करोगे एग्जिट हो जाएगा, दोबारा टाइप करोगे तो आपको फोर्स क्लोज देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये काम नहीं करता है, यहाँ पे बग है, तो इसकी ज़रूरत है अभी इम्प्रूव होने की। तो फर्स्ट बग आपको यहाँ मिल जाता है, उसके बाद अगर आप आते हो कलर्स के ऊपर स्टाइल के ऊपर, तो यहाँ पे डार्क थीम वगैरह जो ऑप्शन है वो आपको वर्किंग नहीं मिलता है, एग्जिट आ जाता है, यहाँ पे आपको बग देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे डार्क या लाइट जो भी आप यूज़ करते हो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी चेंजिंग नहीं होती, और कलर अभी भी ऐड नहीं किए गए हैं, तो बहुत ही आपको है जो कम कलर देखने को मिल जाते हैं। नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एडवांस का ऑप्शन अभी नहीं आया है, तो मे भी आ जाएगा। टैप टू स्लीप, बैकअप, ये सारी चीज़ें आपको जब वर्किंग मिल जाती है। यहाँ पे मैंने ट्राई किया है, इसका वाईफाई हॉटस्पॉट वर्किंग है, जियो की कॉलिंग भी वर्किंग है। अभी फिलहाल मैं हॉटस्पॉट ले रखा हूँ, जियो की सिम नहीं है, सॉरी वाईफाई मैंने कनेक्ट कर रखा है। ओके, अब आते हैं होम स्क्रीन पे, बाकी चीज़ों की बात करते हैं। तो कैमरे में एक मुझे प्रॉब्लम देखने को मिली, वो भी फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसे सेटअप करके यूज करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आपको फेस होती है। देखो मैं इसे डेटा क्लीन कर लेता हूँ, जैसे आप इसे ऑन करोगे आपका ऑटो या पॉपअप कैमरा बाहर आ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको कैमरा एक बार ओपन करना है, ऑल परमिशन दे देनी है, यहाँ से आपको जो कैमरे को फ्रंट पे ऑटो सेट करना है, उसके बाद आप बैक करोगे तो ये है जो फिक्स हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आता है जब भी आप कैमरे को ओपन करोगे तो आप एक बार फ्रंट करके बैक करोगे तो ये फिक्स हो जाता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये काम करता है। सेकेंड चीज़ें और आगे की ओर आते हैं, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डर वगैरह मिलता है, लेकिन आप सिस्टम साउंड रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं कर पाओगे, तो ये आपको एक छोटी सी कमी मिलती है। दूसरी बात, और भी जितनी चीज़ें हैं वो मुझे ठीक ठाक काम करते हुए नजर आई है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक और आ सकता है मेनू का, तो यहाँ पे भी एक छोटी सी कमी लगी है, इसे थोड़ा और नीचे होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं जाता है। तो आप यहाँ पे की अगर यूज करोगे पाई का या फिर ओरियो का लेआउट के रूप में, तब तो सही दिखेगा, बट ऐसे हाइड करने के बाद कुछ ज़्यादा ही और दिखाई देता है। सेकेंड, अगर आप इसे ऊपर को ड्रॉ करते हो अपने मेनू बार को, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो सर्च बार है नेटवर्क परसेंटेज और AM/PM और नोटिफिकेशन के साथ ओवरलैप हो रहा है, तो इसे हल्का सा और नीचे की ओर आना चाहिए या फिर इस तरह से कट होना चाहिए, तो ज़्यादा लुक गुड है जो फील होगा। तो इसमें अभी थोड़ी बहुत और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जो कि जल्दी इम्प्रूव्ड हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि भाई अभी स्टार्टिंग फेज है, टेस्टिंग फेज है, तो दिक्कत तो आनी जाहिर सी बात है। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिला है वो है 32280 का, जो कि ओवरऑल आप कह सकते हो गुड परफॉर्मेंस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही मुझे लगा है। उसके बाद अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे कि कलर चेंज। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो आपको सिंपली कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको आना होगा डेवलपर के ऑप्शन में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो चेंज करना। तो डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बाद सबसे नीचे आपको लास्ट पे आना है ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा थीमिंग का ऑप्शन। ये अभी टेस्टिंग फेज में इसलिए डेवलपर में डाला गया है, बाद में इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप जो भी कलर यहाँ पे चेंज करना चाहते हो आप इजीली रूप से कर पाओगे, अच्छे से है काम करता है यहाँ पे, तो दिक्कत नहीं आता है, बिल्कुल ही परफेक्ट वर्किंग है। उसका एक और फॉन्ट एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, तो ये भी जल्दी आने वाला है, डिस्प्ले की सेटिंग में इंक्लूड कर दिया जाएगा ये सारे ऑप्शन को, बट अभी आपको डेवलपर के ऑप्शन में देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने आइकन सेफ है जो चेंज कर रखा है, तो ये भी आपको ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जिसके थ्रू आप आइकन जैसा चाहते हो वैसा है जो सेव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये भी परफेक्ट वर्किंग है और अच्छे तरीके से काम भी करता है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। तो ये रही इसकी ओवरऑल डिटेल, जो भी वर्किंग था मैंने आपको बता दिया, जो भी बग था मैंने आपको दिखा दिया है। अभी भी बहुत चीज़ें यहाँ पे इंप्रूव होना बाकी है, बहुत चीज़ें फिक्स होना बाकी है, स्टेबल होना बाकी है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है फ्लैशिंग मेथड का, आप उसे वॉच कर लेना, उसके बाद आप इसे फ्लैश कर पाओगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बस एक छोटा सा काम करना है, ताकि मैं आपको इसी तरह की वीडियोज प्रोवाइड करते रहूँ इन फ्यूचर, बस आपको वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है और मेरे साथ बने रहना है ताकि मैं आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की डिटेल है जो देता रहूँ एवरी टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत फोर्स क्लोथ की इशूज़ वगैरह थी जो मैंने आपको जो यहाँ पे दिखा दिया। आप चाहो तो डेटा केबल का यूज करके कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हो, ये भी वर्किंग है प्रॉपर तरीके से, कोई भी इशूज यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है।